আগে হয় না ফিল আগে ডিসাইড করো না কি করে করবে ये करा रहा है ये हो गया फुल चक्रवर्ती बात सर सामने ना बूटिंग सर यार मिडल Thank you.
This is an SG. Look here, sir. सर यहाँ पे सेंटर में चलो चलो बाइट बाइट करना है। हाँ बाइट केबल दे। बहुत ही अच्छी आइडिया है क्योंकि देखिए जितने आप ये ऐसे सेंटर्स खोल देंगे उससे जो कपल्स है जो दोनों कपल्स जिनके पास जॉब्स है वो फिर ये सोच के जा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर इन वेरी गुड हैंड्स, उनकी एजुकेशन भी हो रही है, उनकी देखभाल भी हो रही है। तो ये जो आइडिया है बहुत अच्छी आइडिया है।
पर दिया गया है, फ्री स्कूल भी दिया है, सेंटर कैंप भी है और भी बहुत कुछ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए एक ही रूप में इतना कुछ दे रहे हैं? देखिए ये तो बहुत, जैसा मैंने कहा, ये तो बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा यहाँ पे सारा डे केयर हो सकता है, प्री स्कूल भी है, और जो कपल्स, जैसे मैंने कहा कि जो काम करने जाते हैं उनको, उनके मन में शांति होगी कि वो काम पर अपना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर शाम को आके काम जब खत्म होगा, ऑफिस आवर्स खत्म होंगी, तो यहाँ पर फिर आके वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तो सबसे बेहतरीन आइडिया है। अब सिर्फ ये कहूँगा कि अगर मेरे टाइम में, मैं जब छोटा था अगर ऐसी चीज़ें होती तो बहुत अच्छा होता, पर चलो ठीक है। ओके, ऐसी कोई मेमोरी रहती है आपको, आपकी कोई स्कूल की यादें जो आप शेयर करना? देखिए स्कूल में तो बहुत सारी यादें होती है, जहाँ पे आप हमारे टाइम में तो हमने कभी स्कूल को तो कभी बंक नहीं किया, सिर्फ मतलब जब स्कूल की क्रिकेट मैच होती थी तो उस वक्त ही हमें एक छुट्टी मिलती थी मैच खेलने के लिए। कभी कभी हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे कि जब हमारी टीम, जब हम बच्चे थे और हमारी स्कूल की टीम फाइनल पहुंची थी हैरिस शील्ड में, तो उन्होंने लंच टाइम में हमें वो छुट्टी दे दी कि लंच टाइम के बाद में आप एक घंटे बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जाके अब जो हमारी स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, उनको एनकरेज करें। तो बस वही था। पर और दूसरी याद है कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी आपको आपके टीचर्स आपको कहते थे कि आपने ठीक नहीं किया, आप घर जाके आपके पेरेंट्स से कैलेंडर में रिमार्क देते थे कि पढ़ाई ठीक नहीं होगी या जो भी, और उस पर फिर पेरेंट्स की सिग्नेचर लेना, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे क्या कर रहा है स्कूल में। तो पर मैं समझता हूँ कि ये तो हर बच्चे के साथ होता है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसको टीचर ने डांटा नहीं है। अरे भाई इससे और जॉय से क्या मतलब है? वो तो डैम है, 18 को वोट देने वाले, तो आपको भी इनवाइट किया गया, तो आप अटेंड करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे इसलिए आ गया हूँ, इसके लिए आ गया जॉय के लिए। सिद्धांत जी आप बताइए। नहीं नहीं प्लीज आप, मैं सुनील जी के देखिए, मेरा एक्चुअली मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आई हैव बीन अराउंड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। आई डोंट थिंक ही नोज दिस, बट साइलेंटली मैं बहुत सीखता हूँ इनसे। I look up to him in a lot of ways. इनका discipline का जो level है, I have always looked up to it. चाहे वो fitness का हो या he's very well aware about the world. हर चीज़ की खबर रखते हैं, इनसे आप किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। So for me, he's been a like a silent institution that I learned from. तो it's quite ironic कि इनके हाथों से इसका, you know, इस school का उद्घाटन हुआ है आज। And I'm very fortunate, like I said, कि ये हो पाया, ये तो इनकी बदौलत है that this happened. So I'm very thankful and I'm very grateful for him to do this. And you know, we just want to have a good, you know, atmosphere here for kids. I think it's important. आपके, you know, early years में आप कैसे grow होते हैं and what you're taught then and how you're taught, whether it's all well, you know, just well-rounded upbringing, and that is our endeavor, that is what we will try to do here, and hopefully we'll have maybe the next cricket captain coming out of here or the next good filmmaker coming out of here or you know, an artist or a, you know, world leader, and yeah, that's what we want to do. But it's all about, like, growing up, it's early days, we're starting, and yeah, fingers crossed, everything should go right. Sir, ye desh azad ho chuka hai, lekin abhi bhi kuch mayno mein desh azad nahi hua hai, pehle wo baat gandi soch ki ho, gandagi ki ho ya corruption ki ho, to sir aapke nazariye se kis vishay mein desh azad nahi hua hai, aap mujhe bataiye, aap bataiye mujhe sir, आपका व्यक्तित्व रीजन क्या हो सकता है सर? मैं मेरे देश से बड़ा खुश हूँ,
मेरे देश के खिलाफ मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस कंट्री। सबको स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं, और जो हमारे प्रेडेसेसर्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने सैक्रिफाइसेस किए इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो वो आप मत भूलिएगा। और हमेशा तिरंगा आप लहराए और उसी से मैं समझता हूँ कि भारत की प्रगति होगी। थैंक यू सो मच। इसमें तीन बातों पर नज़र डालिए, एक तो प्री स्कूल, एक केयर, डे केयर विद जॉय, यानी जीवन आपका जॉय से और स्माइल से शुरू होना चाहिए। ये इन्होंने थीम लेकर ये स्कूल बनाया है अपने बेटे के लिए, मिंटू के लिए, और जिसमें जॉय भी हो, केयर भी हो और प्री स्कूल भी हो। जहाँ से बच्चा जन्म लेता है वो हर क्रिएटिव होता है, उन क्रिएटिव बच्चों का ध्यान यहाँ रखा जाए। यहाँ पर पूरा ऐसे डिज़ाइन किया है कि उस बच्चे की जो आर्टिस्टिक माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, वो डेवलप हो। और मुझे बहुत खुशी है कि ये स्कूल जो है इस तरह के एक यंग बच्चों ने तैयार किया है इसी, और मैं सब नौजवानों से कहूँगा, सब यंगस्टर से कहूँगा कि इस तरह के स्कूल आप भी खोलिए अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्कूल में, अपनी अपनी जगह में, क्योंकि यंगस्टर जो हैं वो छोटे बच्चों का के लिए आगे निर्माता हैं। दे आर दी गुरुज फॉर द न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन। ये सबसे बेस्ट फेस है, यहाँ से उनका जीवन शुरू होना है, और यहाँ पर सब कुछ है, पॉजिटिविटी है, जैसे एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अच्छा है जो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू। Gracias.